हेलो गाइस, मैं हूं बिटू मैक्सी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिटू मैक्सी क्रिकेट ब्लॉग्स। तो गाइस, आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेनिस क्रिकेट बैट कैसे बांधे। बहुत सारे मेरे फैंस थे, बहुत फ्रेंड वगैरह बोल रहे थे कि बिट्टू भाई आप जो है मतलब बैट कैसे बांधते हैं, बैट को बेंडिंग कहां से करवाते हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि मैं बैट को बेंडिंग नहीं करवाता हूं, बल्कि मैं बैट खुद से बांधता हूं। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि बैट आप कैसे बांध सकते हैं, और वो भी बस 5 मिनट में। बहुत ही आसान तरीका है बैट बांधने का। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैट बांधने के लिए आपके पास दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। सबसे पहला है थ्रेड। यह है थ्रेड, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे रेशम का धागा। आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा आसानी से रेशम का धागा। ये 10 या 20 रुपए में आपको रेशम का धागा मिल जाएगा। और ये जो रेशम का धागा है, आपको एक बांस का कोई भी लाठी लेना है, मतलब कोई भी स्टिक लेना है छोटा सा, और इस थ्रेड को जो है आप इस बांस के लकड़ी में समेट लेना है। जैसे हम लोग पतंग समेटते थे तो उसी तरह से समेट लेना है अपने बांस के लकड़ी में। और जो आप गाइस है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है फेविक्विक। आप देख सकते हैं ये फेविक्विक है, ये 5 रुपए वाला फेविक्विक है, और गाइस ये 50 रुपए वाला फेविक्विक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 रुपए वाला फेविक्विक और ये 5 रुपए वाला फेविक्विक आप कोई भी खरीद सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बांधना है तो आप 50 वाले यूज कर सकते हैं, और एक दो बांधना है तो आप 5 वाले यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखे मैंने कल ही ये न्यू बैट लिया है, ये A+ बैट है। तो मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा कि A+ बैट को बांधते कैसे है। तो देखिए गाइस, ये है मेरा न्यू बैट। तो मैं आज दिखाऊंगा कि इस बैट को मैं बांधू कैसे। सबसे पहले गाइस, सभी जो भी नए प्लेयर होते हैं वो जब भी नए बैट लेते हैं तो वो क्या करते हैं ना, बैट को लेते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले खेलना नहीं है आपको, सबसे पहले इस बैट को बांधना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां बैट बांध सकते हैं A+ बैट, ताकि बहुत ही मजबूत रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपको यहां से बांधना है, यहां बांधना है, एक एक यहां बांधना है, और दूसरा यहां बांधना है, तीसरा यहां, और चौथा यहां। बस आप 4 ही बांधे। आप देख सकते हैं कि इस बैट को है, सबसे पहले मैं इस ग्रिप को निकाल देता हूं ताकि ये जो यहां का धागा है, धागा को मैं निकाल देता हूं ताकि मैं अच्छे से बांध सकूं। आप यहां तक इस धागे को निकाल दीजिएगा, आप देख सकते हैं मैंने यहां तक निकाल दिया है। अब सबसे पहले जो टेनिस क्रिकेट में होता है ये ज्वाइंट, ये टेनिस क्रिकेट का बैट का ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसी को एकदम टाइट बांधना है, नहीं तो फिर बैट यहां से हैंडल, टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैंडल ही निकलता है, तो अगर हम इसे बांध देंगे तो हैंडल नहीं। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये धागा है, धागा को रेशम का धागा को पहले आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है, और यहां पे पकड़ने के बाद फेविक्विक से सबसे पहले तो आप ऐसे धागा रख के एक बूंद फेविक्विक दे दीजिए, क्योंकि आप फेविक्विक दे दीजिएगा तो आपका धागा यहीं पे स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ना तो एरा लाइट लगाने का जरूरत है और ना ही फेविकॉल का। तो आपने देखा कि इस टाइप से आप फेविक्विक दिए, और अब आपको ये घुमाना है बस ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब ये लास्ट हो जाए तो लास्ट में आपको ये थोड़ा सा कस के इसको खींचना है। खींचने के बाद आपको कहीं बांधना नहीं है, बस ऐसे खींच के आपको ऐसे रखना है, और फेविक्विक जो है
आपको जो है एक बूंद बस यहाँ पे फेविक्विक डालना है। देखिए जैसे मैं डाल रहा हूं, आपको बस यहाँ फेविक्विक डालना है और इसको ऐसे करके छोड़ देना है। तो आप जैसे ही छोड़ोगे तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने ये पूरा लकड़ी छोड़ दिया, तो ये धागा पीछे नहीं जा रहा है ना ही आगे, तो ये एकदम टाइट हो गया है। तो गाइस आप इसे काट लें यहां से, आप ऐसे आराम से इसे। आप देखिए कि किस टाइप से ये मैंने ये बंधा गया है, बहुत ही अच्छे से ये बंधा गया और अब ये उखड़ेगा नहीं। और गाइस और मैंने जो बोला आपको कि 50 का फेविक्विक, तो मैं दिखाता हूं कि 50 का फेविक्विक मैंने क्यों बोला था लेने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस 50 रुपए के फेविक्विक से आप इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं ताकि पूरा लकड़ी को ये पकड़ के रखे, ना तो एडालाइट का जरूरत पड़ेगा और ना ही फेविकॉल का। तो फेविक्विक से ही आप इजिली चिपका सकते हैं अपने टेनिस बैट को। तो गाइस ये रेडी है बंद कर, आप देखिए गाइस अब दूसरा जो है यहां पे बांधना है। तो इस धागा को पहले अंदर से लेकर यहां पर ऐसे करके आपको रखना है, आप देख सकते हैं। ऐसे रखने के बाद आप एक बूंद बस फेविक्विक डाल दीजिए इस पे। तो गाइस ये चिपक जाएगा और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस इसे एकदम सिंपली पहला राउंड सिंपल और फिर दूसरा राउंड भी बहुत ही इजीली सिंपल से लेना है। गाइस आप देख सकते हैं कि जब भी ये जब दो राउंड हो जाए तो तीसरे राउंड से आप इसे इस लकड़ी को थोड़ा खींच के बांध सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि बैट दबेगा, आप देखिए कि लकड़ी दब रहा है, इससे स्ट्रॉन्गली बंधाएगा आपका बैट। तो गाइस आप इसे खींच के ऐसे फिर लेके फेविक्विक आप यहाँ पे मार सकते हैं लास्ट पे। और ये ब्लेड ले और ब्लेड से यहां से आप इसे काट सकते हैं इजिली। और देखिए गाइस ये आपका ये रेडी है, ये देखिए। अब यहाँ पे आप आराम से ये 50 वाला फेविक्विक ले सकते हैं और इसे ऐसे करके आप इस पे गिरा सकते हैं, तो ना तो ये इधर भागेगा और ना ही उधर। अब देखिए गाइस और ये तैयार हो गया, देखिए गाइस आप देख सकते हैं फाइनली मेरा बैट तैयार है। मैंने एक यहाँ एक दो तीन और चार जगह बैंड लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि ये कैसे मेरा पचक रहा है। तो इसे देखिए अब मैं यहाँ पे फेविक्विक डालूंगा 50 वाला फेविक्विक, ये देखिए अब ये भी तो हिल रहा था लेकिन आप देखिए ये कड़ा हो गया है फेविक्विक डालने के कारण। तो मैं इसे फिर से फेविक्विक डालता हूँ, ये देखिए। अब आपको क्या करना है 50 का फेविक्विक लेना है और बैट के साइड साइड जहां तक है जहां जहां आपने रस्सी बांधा है वहां पे आपको देना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपको ना तो एडालाइट देने का जरूरत है और ना ही फेविकॉल, ऐसा ही आपका बैट स्ट्रांग हो जाएगा। टेनिस बैट स्पेशली टेनिस बैट आप फेविक्विक से ही बांध सकते हैं, फेविक्विक डालिएगा तो बैट आपका बन जाएगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें, और भी ऐसे क्रिकेट से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बिट्टू मैक्सी को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।